गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। फिर से बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया है हमने। ये भोपाल भाई है, वो प्रदीप है, और वो दो नए प्लेयर्स आए हैं आज। तो गाइज दो तीन गेम खेल के थक चुका हूँ मैं, और तब तक ये लोग खेल रहे हैं। इसका बैडमिंटन है, इनका आज दांत निकाला गया है इसलिए ये चुप है, जो कि चुप नहीं रह पा रही है। ये देख लो, और ये थाइनोस है। तो गाइज बैडमिंटन खेल के हो गया है, और आज इन मैडम का दांत निकाला गया है, और ये देख लीजिए क्या कर रही है। इनको आइसिंग करने के लिए बोला है, टकोरे करने के लिए। ये काफ़ी दर्दनाक होता है जब दांत निकालते हैं किसी का। इनका विजडम टूथ था तो वो निकालना पड़ा। एनीवेज अभी हम जा रहे हैं सालोंकी विहार की तरफ, हमारे जो नए फ्रेंड्स बने हैं उनके साथ में। थोड़ा कॉफ़ी वॉफी पियेंगे, या तो देखते हैं क्या चटर पटर खाएंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। हम आ गए थे इनके साथ में बाहर। आप कौन है ब्लॉग में? तो यहाँ पर आए हैं मोमोज खाने। वाह मोमोज, और ये भाई ऑर्डर कर रहे हैं। ये देख लीजिए काफ़ी अच्छा मेन्यू है इनका। तो गाइस हम अभी यहाँ बिग डैडीज आए हैं। यहाँ से हमने क्या ऑर्डर किया? हॉट चिकन विंग्स ऑर्डर की, बट पता नहीं वो कैसी होंगी। देखिए लोग यहाँ पे है, यहाँ से ये ट्रैफिक देखिए कितना है। आज मेरी वॉइस थोड़ी लो है बिकॉज़ मैंने अभी टूथ एक्सट्रैक्ट किया है। आपको पता चल ही गई होगी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बट आपको बार बार सुनना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला था कि चुप रहो, मगर मेरे से चुप नहीं रहा गया। आई एम सो सॉरी, नॉट सॉरी। ये देखिए, ये पहली बार येलो मोमोज देखे हैं मैंने, और ये इनका बॉक्स भी येलो है। हाँ चिली अदर गमस ज़्यादा थोड़ा, बट कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे हम लोग। तो गाइज एक और बॉक्स लेकर आए हैं, वो हमारे फ्रेंड्स उधर बैठे हुए हैं बिग डैडीज़ के पास में। तो ये खाते हैं फिर चलते हैं। मोमोज खा के हो गया है हमारा, अब हम चाय पियेंगे। ये चाय रेस्टोरेंट, मतलब जो भी आप कहो, टपरी वपरी, ये बहुत फेमस है यहाँ पर। ये KP में भी और इधर भी सालों के विहार में। यहाँ हम ये चाय पी लेते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। तो यहाँ कैंसिल हो गया चाय में, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है चाय की। चाय अब हम जा रहे हैं ईरानी कैफे, क्योंकि वही पसंद है मुझे। आगे चल के लेनी है फॉक्स वैगन वर्चूस, क्योंकि पोलो वोलो तो अब बंद हो गई है, उसकी जगह यही पर आई है। फाइनली हम पहुँच गए ईरानी कैफे। ये हमारा गो टू कैफे है, हमेशा चाय हम यहीं पर पीते हैं, एंड इट नेवर डिसअपॉइंट्स अस। चलो चलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं कल का व्लॉग। तो आज नेक्स्ट डे है, 2nd of January, एकदम नया साल, बिल्कुल खोल दो भैया। तो एकदम फ्रेश एयर है और फ्रेश एटमॉस्फेयर, थोड़ा ठंडा माहौल है, बट मैं अभी हाफ स्लीव्स पहन के निकला हूँ, क्योंकि थोड़ा फ्रेश लगता है ऐसे ठंडे एटमॉस्फेयर में। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा मटन लेने के लिए। कल इनका टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ था, तो उनको काफ़ी पेन है, और विजडम टूथ निकाला गया है। वो काफ़ी टाइम से दर्द कर रहा था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इसको निकाल फेंको बाहर, और वही बेस्ट सोल्यूशन रहता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम ये सोचते हैं कि रूट कनाल करेंगे या कुछ और रेमेडीज़ करेंगे, वो सब काम नहीं आती हैं। द ओनली थिंग डैट वर्क्स इज एक्सट्रैक्शन, निकाल के फेंक ही दो बाहर। और वो पीछे का दांत था तो कोई इशू भी नहीं है उसमें, अब दो तीन दिन लगेंगे रिकवर होने में। तो अभी मैं जा रहा हूँ मटन लेने के लिए, क्योंकि मटन सूप बना के पिलाएंगे उनको, तो जल्दी हील हो जाएगा ज़ख्म एज इन जो दांत बाहर निकाला है उधर पे एक गड्ढा हो गया है, क्योंकि वो दांत तो पिछले 25 साल से उधर ही है, तो उसने अपनी जगह बना ली है। वो निकाला गया तो वहाँ पर थोड़ा सा छेद जैसा हो जाता है फिर। तो एनीवेज चलते हैं, अभी से ही ट्रैफिक, वैसे कम है ट्रैफिक आज, और कहने में ये भी आ रहा है कि
पेट्रोल पंप्स यहाँ पर स्ट्राइक पे है। बेसिकली पेट्रोल पंप स्ट्राइक पे नहीं है, जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको दिक्कत है, क्योंकि पूरे इंडिया के जो ट्रक एसोसिएशन है दे आर नॉट हैप्पी विद द यू नो फाइन वाला डिसीजन जो अभी लिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर कोई हिट एंड रन केस होता है तो 7 से 10 लाख रुपए का फाइन एंड कुछ जेल भी हो सकती है 10 साल की। तो उससे वो खुश नहीं है, तो उनका भी जेन्युइन है कि देखिए सिंपल लॉजिक है, अगर कोई अपनी गाड़ी चला रहा है रोजगार कमा रहा है उससे, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका एक्सीडेंट हो, ये कोई कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि हर किसी ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा होता है, तो वो लोग नहीं चाहेंगे ऐसा हो। बट ये जो लॉ है ये थोड़ा सा मतलब ठीक ही है, बट उनके हिसाब से सोचे तो थोड़ा सा थोड़ा इस पे गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि वांटेडली तो कोई एक्सीडेंट नहीं करता अनलेस पीपल आर ड्रंक, तो तब उनको होश नहीं होता है तो हो जाता है एक्सीडेंट। थोड़े से स्ट्रिक्ट लॉज चाहिए अपने देश में, क्योंकि तभी लोग फॉलो करना सीखेंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए बातें बहुत कर ली मैंने, अभी आप थोड़ा रोड्स के नज़ारे ले लीजिए। ये मेरे सामने जो गाड़ी जा रही है XL6, ये अर्टिगा का एक नया वर्जन आया था, नेक्सा के थ्रू ये सेल कर रहे थे, काफ़ी अच्छा चला, ये कैब्स वैब्स में भी ये है और फैमिली जिसकी बड़ी है वो ले सकता है ये गाड़ी, बजट में भी आ जाती है, 13-14 लाख से स्टार्टिंग है। मेरे को तो गूस बम्स हो रहे हैं, ठंड काफ़ी है। हमारे वहाँ फ्लैट में धूप नहीं आती है तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहता है, बट कंपेयर टू कश्मीर ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो मैं ऐसे हाफ पैंट में और हाफ शूज में घूम रहा हूँ, वहाँ तो इस टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते आप ऐसा ऐसे चलेंगे बाहर दिसंबर के महीने जनवरी के महीने में। तो मैं मटन लेने जाता हूँ अपने वहाँ सालूकी विहार पटेल भाई के पास, क्योंकि वही बेस्ट देते हैं, फ्रेश होता है उनके पास हमेशा, वहीं चलेंगे और देखते हैं कैसा रहता है। इस फाइनली ये मैं पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट, तो लकीली भीड़ नहीं है उधर, कुछ भी देख लो कुछ भी भीड़ नहीं है। चलते हैं भाई से लेते हैं, सफाई चल रही है। किधर है रान और सीना रखो 1 kg, रान ही डाल दो और थोड़ा। ये पूरा देखो कितना कितने का आएगा, 1.5 किलो हो गया ना, कर दो पूरा। हाँ हाँ ठीक है, कैसे रहेगा कश्मीरी पीस? हाँ बड़े बड़े पीस, बहुत दिन के बाद है। नहीं नहीं आया पहले भी, पिछले हफ्ते भी आया। चलो थैंक यू, चलो भाई चलता हूँ। तो गाइस ले लिया है 1.5 kg लिया, क्योंकि थोड़ा अच्छा दिख रहा था मटन, और ये दूर आना पड़ता है इसीलिए स्टॉक करके रखते हैं थोड़ा बहुत। अब चलते हैं वापस और इसको प्रिपेयर करेंगे घर पे, तो खाएंगे फिर। तो गाइस देखते हैं पेट्रोल पंप की क्या सिचुएशन है, अगर कम भीड़ हुई तो मैं भी पेट्रोल ढलवा लूँगा। यहाँ पर एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, देखो 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 बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, नॉर्मल से तो काफ़ी अनयूजुअल है, बहुत लोग भरवा रहे हैं पेट्रोल। इसमें तो है हाफ टैंक, कम हो जाएगा तो देख लेंगे, क्योंकि अभी लोग थोड़ा पैनिक वाली सिचुएशन में है कि भाई
पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा अगले 3 दिन तक। बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट पेट्रोल एसोसिएशन की तरफ से एक सर्कुलर आया है कि भाई पेट्रोल पंप्स तो ओपन रहेंगे एंड एज पर नॉर्मल डेज पेट्रोल मिलेगा, बट देन लोग फिर पैनिक हो जाते हैं, नेचुरल चीज़ है ये। होप करेंगे कि सॉर्ट आउट हो जाए ये ट्रक वालों के साथ जो मसला है और नॉर्मल पब्लिक को कुछ कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो अभी चलते हैं, यहाँ से 4-5 मिनट का रास्ता रह गया है घर तक और चलते हैं। चलिए गाइस, ये व्लॉग काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पर एंड कर देता हूँ इसको। तो अगर आपको किसी भी रीज़न से ये पसंद आया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ताकि और लोग जुड़ पाएँ अपनी फैमिली के साथ, सब्सक्राइबर फैमिली के साथ, और हम थोड़ा आगे बढ़ पाएँ लाइफ में। ठीक है, तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।